प्रणाम जी, सभी अधिकारियों के नमस्कार जी। मैं अपने सुंदर साध को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। अपने स्वामी जी के चरणों में मैं अपना सिर झुकाती हूँ। हे राज जी, महाराज जी, मैं आप लोग से इतना ज्ञान लिया, लेकिन आज सब लग रहा है कि मेरा मट्टी है। एक कयों से कचड़ा में मुझे चंचल गुरु जी लिया के डाल दिए। ये नहीं सोचे कि ये लालचन कचड़ा का डब्बा है। जो ने हमें ब्याह करके लाया, वही हमारा जमीन के हड़पने लगा। बाकी सब मेरे कर्मों का दोष है, हो सकता है। जिला गाजीपुर, थाना दुल्लापुर, गांव जसौली, मैं राधिका देवी, पत्नी श्री राम यादव। आज हमारे पीछे लोचन यादव, दिलास यादव, सुदामा चौहान, पारा चौहान, दशरथ चौहान के सभी परिवार आज एक साल से हमारे पीछे पड़ी है। पता नहीं कितना दिन से पीछे पड़ी है, लेकिन एक साल से पड़ी है। 2022 3 दिसंबर को किडनैप करवा लिए सुदामा जी और दिलास यादव। लेकिन किडनैप में मेरा परमात्मा ने सब बचा लिए सही सलामत। अब क्या करें, ये लोग लाचार हो गए हैं। मेरा जान मारना चाहते हैं, लेकिन मार नहीं पाते हैं। मेरा भगवान है तो मेरा कौन कुछ बिगाड़ सकता है। जाके राखे साइयां, मार सके न कोई। जिसको परमात्मा रखेंगे धरती पर, उसको कोई नहीं मार पाएगा। मेरी भी जबान से बार बार यही निकलता है, मुझे धरती पर मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। मैं मरूंगी तो अपना आई से मरूंगी, लेकिन क्यों और हमें परेशान किया जाता है। राम और ने परेशान किए, लालचंद ने झूठ बोले, आखिर इसका लास्ट में एग्जाम कहाँ निकला। अरे कोई तो सुरेश मौर्या ऐसा अधिकारी आएगा मेरे खेत, कभी फैसला कराएगा। हो सकता है कभी सुरेश मौर्या भी भटकते भटकते चले आएंगे यहाँ। अगर जिस दिन सुरेश मौर्या दोबारा आ गए चौकी पर, उस दिन तो मेरा बच्चों का जीवन बन जाएगा। गांव से तो मेरे बच्चों का जीवन बन गया। मेरे मकान पर बाउंड्री लग गई, मेरी दुआरे बाउंड्री लग गई। अभी भी मुझे सुरेश मौर्या का इंतजार है। हे परमात्मा, कभी भी वैसे इंसान के भेजो यहाँ सुरेश मौर्या के, कि मेरा खेत कभी सुदामा चौहान से मुक्ति दिलवा दें। मैं लड़ना नहीं चाहती हूँ, मैं झगड़ना नहीं चाहती हूँ, मैं कोई मुकदमा नहीं चाहती हूँ, मैं थाना पुलिस का धक्का खाना नहीं चाहती हूँ। मैं तहसील पर जाने से मुझे नफरत है। मुझे वकील लोग अगर बैठा देते हैं ना 4 घंटा, तब मैं, हे भगवान, मेरे ऊपर का गुजरता है कि मुझे कभी तहसील जाने का भाग्य न हो। लेकिन 7 साल तक हमको राम और लालचंद ने लड़ाए, ये लोग झगड़ा पैदा करके। जबकि 2022 24 फरवरी के मेरा सर मार के रामा की पुली पलवार फाड़ दी। इसके बाद ने सुरेश मौर्या ने राम और की झगड़ा पैदा करने वालों को, बजदानी को ऑपरेशन कर दिया।
गांव के झगड़ा से तो मुक्ति हो गई, नहीं उनके पास बचदानी है या नहीं तो झगड़ा पैदा करेंगे। अब खेत पर कौन रगड़ा कर रहा है, कौन झगड़ा लगा रहा है, ये तो भगवान ही पता लगाएंगे। अभी तो मैं नहीं लगा पाती हूँ, लेकिन इतना सुनी हूँ 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल से पहले दो चार दिन, कि वो 15,000 दे रही है नापने के लिए, हम लोग 30,000 दे रहे हैं। कोटेदार ग्राम प्रधान, उसका चक नापना नहीं चाहिए, इतना तो हमें सुनने के मिला है, लेकिन कान से नहीं सुनी हूँ, फोन से सुनी हूँ। हो सकता है इसमें लोचन यादव, दिलास यादव, सौरभ सिंह, रामपत राम तो 5-6 महीना से आए हैं, बाकी ये भी अपना रूप दिखा रहे हैं, ये भी अपना जात का प्रभाव दिखा रहे हैं। अरे मैं तो ग्वाल वंश हूँ, लेकिन हमारे ऐसा ग्वाल वंश यादव वंश सतयुग में होना चाहिए, कलयुग में हमारे ऐसा कहाँ आदमी है। कलयुग में इतना बड़ा क्रेजा किसके पास होगा कि जयराम इंद्रमणि का काम करवाएगा, और जयराम आज अपने घर में पैसा रख के 1 किलो पावरचानी मेरे सास का सबका हक लेके बैठे हैं, 12 अनाब सोना सबका हक लेके बैठे हैं, गई